हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी। सीएमए फाइनल के स्टडी मेट पेपर नंबर 20 है, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। वहाँ एक चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज़ रिस्क पूलिंग। ओके, तो मैं आप लोग को आज बताऊंगी रिस्क पूलिंग क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रिस्क पूलिंग कैसे यूज़ की जाती है, एंड इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क पूलिंग को कैसे यूज़ करते हैं। एक्चुअली मैं रिस्क पूलिंग क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ आप इसको स्टार मार्क कीजिए इसे। देखिए फ्रेंड्स, रिस्क पूलिंग क्या होता है समझिए। रिस्क पूलिंग क्या होता है गाइस, अगर मैं आपको बहुत सिंपली तरीके से बताऊँ तो रिस्क पूलिंग क्या है, एक टूल है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो क्या करता है, इट स्प्रेड द कॉमन फाइनेंशियल रिस्क अमंग ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर। ठीक है, बेसिकली ये जो रिस्क पूलिंग है फ्रेंड्स, ये कौन यूज़ करता है, इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ करते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या लेता है गाइस, प्रीमियम लेता है। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट द प्रीमियम इज इनफ टू कवर द रिस्क, इसीलिए वो लोग उस अमाउंट का प्रीमियम लेते हैं कि हाँ अगर ऐसा सिचुएशन आया तो हम लोग जितना प्रीमियम ले रहे हैं उससे हम लोग रिस्क को कवर कर लें, क्योंकि वो भी जाके वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, उससे भी इनकम आता है, तो उसको लगता है कि हाँ हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है, बट यू आर नॉट द ओनली वन हु इज गेटिंग इंश्योर्ड, आप अकेले नहीं हो ना, बहुत लोग हैं जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो आपका सिचुएशन नहीं बै किसी और का और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गया तो उसको ज़्यादा कंपेंसेशन देना पड़ सकता है इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो बुक में आपको एक टर्म मिलेगा फ्रेंड्स, दैट टर्म इज कैटेस्ट्रोफिक रिस्क। ठीक है, कैटेस्ट्रोफिक रिस्क क्या होता है, फायर, फ्लड, ठीक है, ये सब बड़े बड़े जो चीज़ें होती है, अभी कोई सिप ड्राउन हो गया तो कितने लॉसेस, कितना कंपेंसेशन देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, उतना का तो प्रीमियम भी नहीं लिया होगा, है ना। तो ऐसे जो कैटेस्ट्रोफिक रिस्क होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े रिस्क होते हैं, उसको एक कंपनी बियर करने के लिए उनको भी लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत रिस्क है, हम लोग अकेले अगर ऐसा सिचुएशन आए तो बियर नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक पूल क्रिएट करते हैं। ठीक है, चार पांच इंश्योरेंस कंपनी मिलके एक पूल क्रिएट करते हैं, आपने जो प्रीमियम दिया उसको वो पांचों मिलके कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, और किसी एक का भी अगर सिचुएशन खराब आया तो पांचों इवनली कंट्रीब्यूट करके उस रिस्क को मिटिगेट करेंगे, समझ लो एक इंसान को कंपेंसेशन देंगे, सो दैट एक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, पांचों मिलके करेंगे। ठीक है, किसी का भी अगर सिचुएशन है तो पांचों इवेंटली कंट्रीब्यूट करके करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखो रिस्क शेयर हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग रिस्क पूलिंग। और एक चीज होता है री इंश्योरेंस। ठीक है, आपने एक इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योर करवाया, अभी उसको डर लग रहा है कि नहीं यार अगर ऐसे सिचुएशन है तो मेरे को बहुत ज़्यादा कंपेंसेशन देना पड़ेगा, तो वो क्या करे, अपने आपको कहीं और इंश्योरेंस करवा ले रहे हैं, तो अभी अगर रिस्क आया तो दोनों में बटेगा, दोनों ही रिस्क को कंपेंसेट करेंगे, जो भी इंसान प्रीमियम दिया है उसको कंपेंसेट करेंगे, तो इससे भी क्या होता है रिस्क आधा आधा हो जाते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट शेयरिंग द रिस्क इवनली। ठीक है, एक रिस्क हो, आपको लग रहा है कैटेस्ट्रोफिक रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, अगर ऐसा सिचुएशन आया तो कंपनी को लॉस हो सकता है, उनको भी तो डर है ना कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा, उस केसेस में वो लोग अपने बीच ही एक पूल क्रिएट कर लेते हैं, री इंश्योरेंस करवा लेते हैं, इसको बोलते हैं रिस्क पूलिंग। ठीक है, ये तो हो गया इंश्योरेंस कंपनी के केस में, जो कि आपको आपके टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियरली दिया है। ठीक है, ये यूज होता है बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इज रिस्क पूल अंडर दिस सिस्टम इंश्योरेंस कंपनीज कम्स टुगेदर टू फॉर्म ए पूल। ठीक है, व्हिच कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट कैटेस्ट्रोफिक रिस्क। ये क्या है, कीवर्ड है आपको लिखना है, कैटेस्ट्रोफिक रिस्क सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ रिस्क को कवर अप करने के लिए, कैटेस्ट्रोफिक रिस्क को कवर अप करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक पूल क्रिएट करते हैं। ये तो हो गया इंश्योरेंस कंपनी का केस। अभी अपने कॉरपोरेट में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो मैं कैसे बताती हूँ, देखो हम लोग एक जगह पे वेयर हाउस पे हम लोग गुड्स रख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा वेयर हाउस रहता है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाने के चलते क्या करते हैं, बहुत जगह पे पास पास पे वेयर हाउस बना लेते हैं, स्टॉक रखते हैं, इन्वेंट्री, आपको लेवल ऑफ इन्वेंट्री पता होगा, मिनिमम लेवल, सेफ्टी लेवल, रीऑर्डर, मतलब ईओक्यू, ये सब होता है, सब में हम लोग इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं स्टॉक आउट ना होने के लिए। अब देखो क्या होता है, अगर डिफ्लेशन आ गया या फिर डिमांड वेरिएबिलिटी आया, डिमांड वेरिएबिलिटी क्या होता है,
हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा इतना सप्लाई होगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ और हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अगर डिफ्लेशन हुआ तो क्या होगा, डिमांड कम जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो डिफ्लेशन होता है। कल मैंने इन्फ्लेशन बताया था कि जहाँ डिमांड बढ़ जाता है ना। अगर ऐसा सिचुएशन आया उस केसेस में क्या होगा फ्रेंड्स, जब डिमांड वेरिएबिलिटी बढ़ जाता है, डिमांड हम लोग का कम हो जाता है, हम लोग को स्टॉक लेवल बढ़ जाता है, इन्वेंट्री लेवल बढ़ जाता है, हमको सेफ्टी स्टॉक भी रखना पड़ता है। देखो अभी सपोज एक जोन है ओडिशा, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट एक जोन है, मेरा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट एक जोन है। मैंने कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ही 3-4 वेयर हाउस अपना बना दिया, अलग अलग, मतलब एक एक सिटी में एक एक बना दिया मैंने वेयर हाउस। ठीक है, क्योंकि अगर इस एरिया के लोगों को चाहिए तो यहाँ से जाएगा, वहाँ से चाहिए तो वहाँ से जाएगा, ओनली टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, वेयर हाउस तो बनाते हैं, लेकिन उसके चलते हम लोग का बहुत सारे अलग कॉस्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर जगह पे मिनिमाइज, मतलब सिक्योरिटी रहेगा, डिलीवरी बॉयज रहेंगे, हर जगह से काम होगा, है ना। रिक्स पूलिंग क्या बोलता है कि आप लोग सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करो। सेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है, सिंगल वेयर हाउस, या तो प्रोडक्ट वाइज सिंगल कर लो, लोकेशन वाइज सिंगल कर लो, प्राइस वाइज सिंगल कर लो। ठीक है, लोकेशन वाइज मतलब कलांडी डिस्ट्रिक्ट है तो आप मेन जगह एक देख लो और वहाँ पे एक ही वेयर हाउस मेंटेन करो। सो देट क्या होगा, यहाँ पे बोलता है डिमांड पुल करो, मतलब सारे डिमांड को आप लोग एग्रीगेट कर दो। ठीक है, अभी कलांडी डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है भवानीपटना, एक एरिया है केसिंगा। ठीक है, मैंने दोनों पे वेयर हाउस बनाया। भवानीपटना का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, मेरे वहाँ पे सेफ्टी स्टॉक भी ज़्यादा नहीं रहे, एवरेज इन्वेंट्री, मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छा है, लेकिन केसिंगा के जो कस्टमर है वहाँ पे कम हो रहा है। तो मेरा अगर पेरिसेबल गुड्स है, ठीक है, मेरा इन्वेंट्री पेरिसेबल है, फ्रूट्स वगैरह है जो ख़राब हो जाता है, एक तो मेरे को सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़े ड्यू टू डिमांड वेरिएबिलिटी, ऊपर से अगर टर्नओवर नहीं होगा तो मेरा नुकसान ही नुकसान है। रिक्स पूलिंग क्या बोल रहे हैं, आप लोग डिमांड को पूल करो, भवानीपटना और केसिंगा दोनों में, दोनों के बीच में या फिर कहीं एक जगह पे वेयर हाउस बना लो और एक ही जगह पे इन्वेंट्री मेंटेन करो। ठीक है, सो दैट हाई डिमांड फ्रॉम वन कस्टमर ऑफसेट द लो डिमांड फ्रॉम अनदर कस्टमर। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका डिमांड वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, जब दोनों मर्ज हो गए तो डिमांड वेरिएबिलिटी कम हो जाएगा, आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी दोनों जगह पे मेंटेन कर रहे थे, अभी एक जगह पे मेंटेन करोगे, उससे आपका एवरेज इन्वेंट्री भी कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो पेरिसेबल गुड्स का जो रिस्क था, ठीक है, वो रिस्क कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, आपका रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर हम सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं तब हम लोग का रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस कम हो जाता है, इसको बोलते हैं रिस्क पूलिंग इन केस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको बुक में दिया है, जब भी रिस्क पूलिंग है आपको दो पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, पहले तो आप रिस्क पूलिंग का मतलब लिख लो, ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ कॉमन फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, जो कि बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी यूज़ करते हैं, ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, उसके बाद जो दो तीन लाइन मैंने अंडरलाइन किया है बस इतना लिख दो। उसके बाद आपका आएगा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे इतना इलाबोरेटली दिया नहीं है कि SCM में कैसे रिस्क पूल होता है, बस वार्डिंग्स दिया है तो बुक से समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बट स्टिल कुछ चीज़ें दिया है। देखो, रिस्क पूलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इट सजेस्ट दैट डिमांड वेरिएबिलिटी इज रिड्यूस्ड इफ वन एग्रीगेट्स डिमांड अक्रॉस लोकेशन, बिकॉज एज डिमांड इज एग्रीगेटेड अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन इट बिकम्स मोर लाइकली दैट हाई डिमांड फ्रॉम वन कस्टमर विल ऑफसेट बाय लो डिमांड फॉर अनदर। दिस रिडक्शन इन वेरिएबिलिटी अलाउज अ डिक्रीज इन सेफ्टी स्टॉक एंड देयरफॉर रिड्यूसेस इन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। अभी तो समझ में आया होगा, पहले अगर पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था आई थिंक, लेकिन अभी अगर मैंने समझाने के बाद आई होगा आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा कि ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो थ्री क्रिटिकल पॉइंट ऑफ रिस्क पूलिंग के सप्लाई चेन मैनेजमेंट का दिया है, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है। देखो, सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री सेव्स सेफ्टी स्टॉक एंड एवरेज इन्वेंट्री, ये तो आप लिख पाओगे। ठीक है, व्हेन डिमांड फ्रॉम वन मार्केट आर नेगेटिवली कोरिलेटेड द हायर द कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन ग्रेटर द बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम सेंट्रलाइज सिस्टम द ग्रेटर द बेनिफिट फ्रॉम रिस्क पूलिंग, ये भी ठीक है। बेनिफिट फ्रॉम रिस्क पूलिंग डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द रिलेटिव मार्केट बिहेवियर, या प्रीड कर लेना। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया रिस्क पूलिंग कैसे होता है इंश्योरेंस कंपनी में और सप्लाई चेन में, आप लोग अभी पढ़ के लिख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका रिस्क रिडक्शन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अनदर कॉन्सेप्ट इज रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड अदर टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है फ्रेंड्स। लोग को ये वीडियो समझ आए और आपको पूरे चैप्टर्स दिखने हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए एंड आप लोग को रिस्क मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।